नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी अब इतनी तेज हो गई है कि हर पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हर किसी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार तारापुर और कुशेश्वर स्थान जीत लिया जाए। अब ऐसे में बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जो लगातार तारापुर के बाद अब कुशेश्वर स्थान में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जब कुशेश्वर स्थान में रहते हैं तो वहां पर लोगों का जनसैलाब उमड़ता है, जिसे देखकर वो गदगद होते हैं। इसके साथ ही फोटो साझा कर वो ट्विटर पर सरकार पर भी हमला करते हैं और एक बड़ा दावा भी करते हैं। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर, जरा आप वो अपनी स्क्रीन पर देखिए। तेजस्वी ने लिखा है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जनता मालिकों का अपार प्रेम, अटूट लगाव और अखंड विश्वास पाकर अभिभूत हूं। बिहार की आम आवाम एनडीए सरकार की जनविरोधी नीतियों और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अफसरशाही से त्रस्त है। उपचुनाव में एनडीए की हार और राजद गठबंधन की विजय सुनिश्चित है। अब तेजस्वी यादव ने यह बड़ा दावा करते हुए ट्विटर पर लिखा है, हालांकि वो कह सकते हैं कि जितने भी समर्थक हैं उनको भी आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना जनसैलाब देख करके भाव विभोर हो चुका हूं। और उसके बाद ही तेजस्वी यादव सरकार पर भी हमला करते हैं और कहते हैं कि इस बार एनडीए की हार तय है। अब बात कर लेते हैं बिहार में होने वाले उपचुनाव की, तो यहां पर सरगर्मी ऐसी तेज हुई है कि हर पार्टी जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बात करें चाहे कांग्रेस की या फिर राजद की या फिर एनडीए की। अब कांग्रेस ने आपने देखा कि कल किस प्रकार से दावा किया, कांग्रेस की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है। और स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे कल कन्हैया कुमार, जब वो पटना पहुंचे कन्हैया कुमार ने इशारों में अपने सभी विरोधियों पर भी हमला किया, राजद के तेजस्वी यादव पर भी हमला किया और राजद के कई बड़े नेताओं पर भी हमले किए, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन यह बयानबाजी जो है बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार चल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ विरोधी हैं उनके, और अब तो विरोधियों की फेहरिस्त में कांग्रेस का नाम भी जुड़ गया है, जो कांग्रेस महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव के इस मौके पर कांग्रेस ने अलग लड़ने का फैसला किया और अब जो है खुल करके दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, कांग्रेस भी बयान दे रही है। तो इधर तेजस्वी यादव की तरफ से भी या उनके पार्टी राजद की तरफ से भी कांग्रेस के खिलाफ में बयान दिया जा रहा है। और कल ताजा बयान की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के उस बयान को भी सुना, जिसमें वो साफ साफ ये कह रहे थे कि गठबंधन टूट चुका है, बिहार की 40 सीट पर कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में अब सरगर्मी तेज हो रही है। बिहार विधानसभा की दो सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान की हम बात कर लेते हैं तो दोनों जगहों को जीतने की पूरी कवायद की जा रही है, जिसमें तारापुर जो है हॉट सीट बना हुआ है। तारापुर का दौरा तेजस्वी यादव कर चुके हैं और फिलहाल कुशेश्वर स्थान में है, उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक कुशेश्वर स्थान से भी लौट आएंगे। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए दावा कर दिया है कि उनकी जीत पक्की है और एनडीए की हार भी पक्की है। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से वो रंग क्या लाते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव जो कि दो सीटों पर होने वाला है, इनके जब नतीजे सामने आते हैं तो क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है, क्या कुछ जीत की पटकथा लिखी जाती है, ये भी अभी इंतजार का विषय है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।